नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 और इसमें आज का हमारा क्वेश्चन है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इससे पहले भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और पहले उन क्वेश्चन को समझ लीजिए जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या हो है, दोनों में अंतर भी बताना है आपको और समझाना भी है, ठीक है। एक तो इनमें क्या लिखा गया है यहाँ पे, अंतर, ठीक है, अंतर और दोनों में दोनों की परिभाषाएँ, ठीक है। अगर परिभाषा पूछेंगे तो कैसे लिखना है आपको, ये दोनों लिख देनी है, भौतिक परिवर्तन में ये परिभाषा और रासायनिक परिवर्तन में ये परिभाषा। और अगर आपसे अंतर पूछेंगे तो अंतर तो मैंने बता ही रखा है, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं पहले पॉइंट की, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्या बताया है, ऐसा परिवर्तन जैसे कागज़ को मैं फाड़ दूँ, है ना, फाड़ने के बाद वापस क्या करूँगा, इसको चिपका दूंगा तो वापस से कागज़ बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात क्या कर सकते हैं, पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पूर्व अवस्था, है ना, यहाँ पर क्या है, पूर्व अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे दूध से दही बनना, अगर एक बार दूध से दही बन गया तो क्या वापस दही से दूध बना सकते हैं, तो नहीं, इम्पॉसिबल है। तो ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सॉरी अगला पॉइंट क्या है हमारा, परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता है ना, क्या बता रखा है, परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जैसे कागज़ का फटना, है ना, मोमबत्ती का पिघलना, इन सबसे क्या नया पदार्थ बनता है, तो नहीं बनता है, हाँ, लेकिन परिवर्तन के पश्चात इसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन सकते हैं, ठीक है। दूध से दही बन जाएगा, दही नया पदार्थ मिल जाएगा आपको। यह परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी होता है, और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, स्थायी होता है, ठीक है। एक बार परिवर्तन हो गया तो वो वैसे ही रहने वाला है ना। अगला, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला, इसका उदाहरण, उदाहरण पाँचवा पॉइंट हो जाएगा हमारा, बर्फ़ का पिघलना, कॉमा लगा के देखेंगे हम, बल्ब का जलना, है ना, और इस तरफ बात करेंगे दूध का दही बनना और बच्चे का बढ़ना। बहुत सारे उदाहरण हैं, हमको तो एक दो लिख देने हैं क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यह था आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर, और दोनों को समझाइए, वो वाला दोनों क्वेश्चन आपके कम्प्लीट हो चुके हैं। अगर फिर भी आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।